सभी वर्ग की महिलाओं के वृद्धा पेंशन की न्यूनतम उम्र सीमा हुई 50 वर्ष। एससी और एसटी जाति के महिला पुरुष दोनों को भी मिलेगा इसका फायदा। झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र सीमा 60 से हटाकर 50 वर्ष कर दिया है। इतना ही नहीं, एससी और एसटी महिला पुरुषों को भी इस उम्र सीमा का लाभ मिल सकेगा। वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन सभी वर्ग की महिलाओं को अब मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही एससी और एसटी जाति के पुरुष और महिला दोनों को इसका फायदा मिलेगा, जबकि शेष वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 60 वर्ष ही रहेगी। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर 3 दिवसीय वार्ड स्तरीय शिविर का आयोजन मधुपुर नगर परिषद परिसर में सीओ यामुन रविदास की उपस्थिति में शुरू की गई। 21 तारीख और 22 तारीख को नगर परिषद के अंतर्गत अंचल अधिकारी के द्वारा कैंप लगाया गया है। वैसे पेंशनधारी जिसको कि जिसका कि उम्र 50 साल पूरा कर लिया हो, लेडीज़ में चाहे वे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो एवं सामान्य हो, सभी वर्ग के महिलाओं को 50 वर्ष जिसका कि उम्र सीमा प्राप्त कर लिया हो, क्राइटेरिया के अनुसार आज कैंप में जितने भी आवेदन आए सभी की स्वीकृति मेरे द्वारा अंचल अधिकारी के द्वारा उनको दे दी गई है। और इसमें जो एसटी और एससी संवर्ग के लोग हैं उसमें पुरुष और महिलाओं को दोनों का उम्र 50 साल होनी चाहिए, उसमें पुरुष और महिला दोनों की स्वीकृति प्राप्त आवेदन के आधार पर दी जा रही है।